श्री रमेश शिंदे जी नमस्ते थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए जी आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी मैंने जब नाम सुना हिंदू जन जागृति समिति सो आई वॉट वेरी एक्साइटेड कि एग्जैक्टली ये क्या है बिकॉज ऐसे देखा जाए तो हमें हिंदू राष्ट्र देखा जाता है तो फिर हिंदुओं को जागृत करना वॉट इज इट एग्जैक्टली सो प्लीज टेलस कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य है और इसकी क्या जरूरत है जी आ, सबसे पहले यदि हम देखेंगे कि इसकी स्थापना जो हो गई अपने आप में एक अलग ये बात है आ, एक समय था कि 2002 में हमारे प्रभु श्राम के बारे में बहुत ही अनर्गल बातें की जाती थी कई सारे प्लेज उस समय पे आते थे और ये सारा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर चल रहा था तो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पर ऐसे हुआ कि प्रभु शुराम को बहुत सारी एक स्पीच में गालियाँ दे दी गई और उसके विरोध में पूरा हिंदू समाज वहाँ का एकत्रित हुआ जो एकत्रित हुआ तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो हमें नाम होना चाहिए और वो जो है हिंदू समाज के जागृत हिंदू समाज का नाम है वो है हिन्दू जन जागृति समिति इस माध्यम से 2002 से कार्य चालू हुआ आज 22 वर्ष हुए हैं और इस दौरान हमने हिंदू समाज को धर्म के बारे में जागरूक करना अपना धर्म क्या है क्योंकि आजकल हम ना स्कूल में पढ़ पाते हैं ना कॉलेज में कभी हमें सिखाया जाता है तो हमारा धर्म क्या है हमारे धर्म की विशेषताएँ क्या है तो इन बातों पर हम उनको जागरूक करते हैं सभाएं लेते हैं प्रवचन होते हैं तो जगह जगह जा कर के विलेजेस में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों में कॉलेजेस में एक हिंदू समाज के जागृति का और उनको कोई तो एक लक्ष्य होना चाहिए हमारा कोई लक्ष्य सामने होना चाहिए इस दृष्टिकोण से हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य है ये जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में एक अलग है क्योंकि हिंदू जो शब्द है उसका मूल अर्थ यह है हिनान गुनान दूषयती इति हिंदू जो अपने अंदर की बुराई मिटाने का काम करता है वो हिंदू है तो इस दृष्टिकोण से हिंदुत्व की या हिंदू धर्म की हम व्याख्या को ही देखते हैं तो हिंदू धर्म बहुत विशाल है और इस विशाल प्राप्त करके देना ये हमारा बहुत बड़ा एक कार्य है और इसके लिए हिंदू जन जागृति समिति पिछले बाईस वर्षों से कार्य कर रही है wow. okay, uh, आपसे भी जब लास्ट टाइम मिली थी तो हमारी बात हुई थी हलाल के बारे में जी. मैंने बहुत सुना है हलाल के बारे में आ, हलाल सर्टिफिकेशन होता है हलाल इकॉनमी चलती है मुझे एज अ लेमैन सिर्फ ये पता है कि आ, हलाल एक तरीका होता है जीवों को मारने का तो उसके अलावा ये सब क्या कॉन्सेप्ट्स है वो नहीं पता है तो क्या सरल भाषा में ऑडियंस को आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज हलाल एंड एवरीथिंग जी बेसिकली uh, हलाल ये जो शब्द है दिस इज प्री इस्लामिक वर्ड तो हलाल जो है जैसे जूश में कोशर मेथड कहा जाता है तो ये दोनों तरीके या दो उसके मीनिंग है एक तो हलाल का मतलब ये होता है कि व्हाट इज परमिसबल व्हाट इज एक्सेप्टेड एज पर इस्लामिक लॉ तो इस्लामिक कानून से जिन चीजों को आप खा सकते हैं जिन चीजों को यूज कर सकते हैं या जिन चीजों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है उन सारी चीज़ों को हलाल कहा जाता है इसका एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड है हराम हराम ये है कि जो चीज़ें नहीं कर सकते हैं आप तो नहीं कर सकते हैं इसमें खान पान में देखेंगे तो शराब नहीं पी सकते हैं कोई भी जिसको हम कहेंगे ड्रग्स है या जो अमली पदार्थ है उनका सेवन नहीं कर सकते हैं हराम माना गया है सुअर का मांस है उसे हराम माना गया है और बैंक से इंटरेस्ट लेना तो इंटरेस्ट लेना या इंटरेस्ट देना इन चीज़ों को हराम माना गया है तो कुल मिलाकर के हराम कुछ चीज़ें इस प्रकार से कही गई है और उसके विरोध में जैसे हलाल हमने देखा सो हलाल इज ऑल्सो अ वे ऑफ स्लॉटर ओके उसके अंदर चार नियम है पहला नियम यह है कि जो कसाई जो है जो स्लॉटर है मुस्लिम और कोई मजहब का व्यक्ति जो है वो हलाल नहीं कर सकता है ये पहला उनका नियम है दूसरा है उस पशु की गर्दन को मक्का के दिशा में करना चाहिए तीसरा है कि छुरी के एक गाँव में उसने जो उसके जुगुलर वेंस है या ब्लड पाइप है या विंड पाइप है उसको कट करके पूरा ब्लड जो है वो फ्लो होना चाहिए उसके बाद जो मीट होता है वो हलाल मीट होता है तो ये चारों नियमों के आधार पर हलाल स्लॉटर होता है अब ये जो है ये बेसिक यदि हम देखेंगे तो हलाल का मतलब यही इतना ही लिखा हुआ है मतलब एज पर रिलीजियस टेक्स्ट यदि देखेंगे तो इतनी बातें लिखी हुई है और हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं हम जिस बात का विरोध कर रहे हैं जिस जिसके ऊपर योगी आदित्यनाथ जी ने बैन लगाया है दिस इज टोटली डिफरेंट टू दिस उन्होंने जो बैन लगाया है वो है हलाल सर्टिफिकेशन के ऊपर हम जो बात कर रहे हैं हलाल सर्टिफिकेशन की क्योंकि किसी के कोई मजहब की बात करना या मजहब के उनके जो मान्यता है उनके बारे में बात करना उससे हमें कोई लेन देन नहीं है कि उनके मजहब की ये मान्यता है तो ठीक है आपके मजहब की ये मान्यता हो सकती है हमें उससे कोई लेन देन नहीं है लेकिन इसे एक स्ट्रैटेजी के अंतर्गत भारत में हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए इसको इकोनॉमी के रूप में लाया गया इनिशियली जब रघुराम राजन जब आर के गवर्नर थे तो उस समय पे एक प्रपोजल आया कि भारत में इस्लामिक बैंक चालू करना है और पूरे विश्व में इस्लामिक बैंक जो है वो बदनाम है कि मुस्लिम ब्रदरहुड को जो पैसा देता है वो इस्लामिक बैंक सबसे बड़ा देता है लेकिन रघुराम राजन जी ने परमिशन दे दी भारत में ब्रांचेस चालू हो गए उस समय पे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उसे चैलेंज किया और हाईकोर्ट्स में उन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने कहा जब भारत में भारत एक सेक्युलर देश है भारत में आर है तो ऐसे परिस्थिति में मज़हब के आधार पर बैंक क्यों चल रहा है दूसरी बात यह है कि ना तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना तो इंटरेस्ट वो दे सकते हैं तो फिर ऐसे में सामान्य व्यक्ति पैसा क्यों रखेगा वहाँ पर इसलिए इस बैंक को रोकने के लिए उन्होंने पीआईएल किया और भारत के कोर्ट्स ने भी कहा कि ये बैंक यहाँ पर फंक्शन नहीं कर सकता है तो इसे बंद करने के लिए कहा गया लेकिन उनका मुद्दा ये था कि अब हमें इकोनॉमी तो कंट्रोल करनी है तो ये इकोनॉमी कंट्रोल कैसे करें क्योंकि एक बात तो थी कि आतंकवाद के द्वारा उन्होंने जो अपना सपना था वो पूरा करने के लिए देखा लेकिन आज डिफेंस या मिलिट्री इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि आप कहीं से बैठ करके कहीं मिसाइल भेज सकते हैं ड्रोन्स भेज सकते हैं तो इससे नहीं हो सकता है तो आज अमेरिका जो पूरे विश्व पर राज कर रहा है वो इकोनॉमी के आधार पर कर रहा है इसलिए सितंबर 2013 में मलेशिया में पहला मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया वी विल स्टार्ट ओवर ओन इकोनॉमी दैट विल कॉल्ड एज अ हलाल इकोनॉमी और इसके अंदर हर मुस्लिम को कहा गया कि इफ यू वांट टू स्प्रेड हलाल इकोनॉमी यू हैव टू आस्क फॉर अ हलाल थिंग हर चीज में हलाल पूछना चालू कीजिए दूसरा जो 57 मुस्लिम कंट्रीज है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ओ उन्हें कहा गया कि आप एक कानून बनाइए कि जो भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज से आपके देश में प्रोडक्ट्स आते हैं तो उन्हें एक्सपोर्ट करने से पहले हलाल सर्टिफाई करना होगा तभी मुस्लिम देशों में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा अब जैसे भारत के कई सारे व्यापारी हैं, जो अपना सामान दुबई कतार ओमान या ऐसे मुस्लिम देशों में भेजते हैं अब जब उस देश का कानून हो गया कि बगैर हलाल सर्टिफिकेट के वो सामान लेंगे ही नहीं तो किसी ना किसी को तो सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा अदरवाइज बिजनेस पूरा ठप हो जाएगा इसलिए भारत के व्यापारियों के ऊपर ये एक नया तरीके का टैक्स लग गया और इसे हलाल सर्टिफिकेट लेना आवश्यक हो गया अब इसमें इसको और भी हमें समझना है तो भारत सरकार तो दो सर्टिफिकेट देती है वन इज एफ एस एस ए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अनदर इज एफ डी है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो ये दो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज है और ये सरकार की है हलाल सर्टिफिकेट तो भारत सरकार देती नहीं है तो फिर ये सर्टिफिकेशन करेगा कौन तो उसमें उन्होंने कहा कि जो जमियत हिंद है जो देवबंद जिसे कहते हैं कि भारत का सबसे पुराना मदरसा तो उसे उन्होंने कहा कि उलेमा हिंद का जो सर्टिफिकेशन होगा वो वैलिड माना जाएगा और जमियत उलेमा हिंद ने इसके बाद हलाल सर्टिफिकेशन देना चालू किया और ये जो सर्टिफिकेशन है ये फ्री ऑफ चार्ज नहीं होता है इसके लिए ऑलमोस्ट सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ पे करना होता है पर ईयर पर प्रोडक्ट मीन्स हल्दीराम को हलाल सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है हल्दीराम के हर प्रोडक्ट को अलग हलाल सर्टिफिकेशन मिलेगा जैसे मूंग दाल है बीकानेर सेव है या डाइट चूड़ा है हर प्रोडक्ट के लिए अलग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अब जैसे मान लीजिए कि सिक्सटी थाउजेंड रुपीज पे करके यदि एक प्रोडक्ट को एक साल के लिए यानी अगले साल फिर रिन्यू करना पड़ेगा आपको तो करीब करीब तीन करोड़ रुपया हल्दीराम ही हलाल सर्टिफिकेट के लिए पे कर रहा है अब हल्दीराम या कोई भी व्यापारी होगा जब वो इन्वेस्ट करेगा तो उसे फिर वापस मिलेगा तो हल्दीराम क्या करता है कि हर पैकेट के ऊपर एक रुपया दो रुपया बढ़ा देता है कि जो उसने पैसा दिया है हलाल सर्टिफिकेट के लिए लेकिन वास्तव में देखेंगे तो हल्दीराम के 90% परसेंट कस्टमर हिंदू है तो पैकेट के ऊपर जब एक रुपया बढ़ जाता है तो पैकेट लेने वाला नाइन्टी हिंदू है तो हलाल का मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ऐसा जो है वो हिंदुओं को पे करना पड़ रहा है कि जिनका हलाल से कोई मतलब नहीं है तो हलाल सर्टिफिकेशन जो है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मुस्लिम्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय मुस्लिम कंट्रीज लेकिन उसका पे जो है वो हिंदू समाज कर रहा है ये हमारा इसके बारे में कहना है तो इसलिए ये एक प्राइवेट सर्टिफिकेशन है ये एक मदरसा बेस्ड सर्टिफिकेशन है ये क्वालिटी बेस्ड सर्टिफिकेशन नहीं है तो फिर इसमें यदि उनका कहना यही है कि उसके अंदर शराब नहीं होनी चाहिए या स्प्रिट नहीं होना चाहिए अल्कोहल नहीं होना चाहिए या प्रिजर्वेटिव जो होते हैं जिसके अंदर बोवाइन मीट कहा जाता है पोर्क मीट या पोर्क के बोन मैरो से जिलेटिन बनता है या प्रिजर्वेटिव बनते हैं तो वो उसके अंदर नहीं होने चाहिए तो यहाँ तक तो बात सीमित थी लेकिन आज ऐसे हो गया कि फिर शाकाहारी प्रोडक्ट्स में ये सारी चीज़ें आ गई हल्दीराम के जो जितने सारे शाकाहारी प्रोडक्ट्स हैं, आज भारत में बिकने वाला तुलसी का अर्घ भी हलाल सर्टिफाई हो गया फिर मेडिसिन में हलाल सर्टिफिकेशन चालू हो गया आज मेडिसिन में हलाल सर्टिफिकेशन लगभग हंड्रेड मिलियन डॉलर्स का है उसके उपरांत हिमालय जैसी कंपनीज है जिन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन लेना चालू किया और धीरे 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 बढ़ते हुए ये आज हलाल सर्टिफिकेशन यदि हम देखेंगे बिल्डिंग्स में हलाल सर्टिफिकेशन है अस्पताल में हलाल सर्टिफिकेशन है वेबसाइट्स में मिंगल डॉट कॉम इज अ डेटिंग वेबसाइट वो भी हलाल सर्टिफाइड है सो हाउ यू कैन क्लेम दैट मिंगल डॉट कॉम इज अ डेटिंग वेबसाइट डेटिंग वेबसाइट कैसे आपके मजहब बुक में हो सकता है क्योंकि 40 साल पहले तो इंटरनेट नहीं था स्मार्टफोन नहीं थे तो इस तरीके से आज हलाल टूरिज्म चल रहा है मुंबई के अंदर हलाल स्टॉक मार्केट चालू है जैसे बिट कॉइन है वैसे हलाल स्मार्ट कॉइन लॉन्च किया गया तो ये इसके अंदर कई आपके मज़हब की कोई बात ही नहीं है आप दिखा दीजिए मुझे मैं कई सारे टीवी चैनल्स पर जब जाता हूँ तो मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि यदि आप सुन्नत को मानते हैं कि जो सुन्नत का अर्थ यह है कि जो आपके बुक में लिखा है उसी के आधार पर आपने काम करना चाहिए तो आप मुझे दिखा दीजिए कि लिपस्टिक को आप हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं शैम्पू को हलाल सर्टिफिकेट दे रहे कहाँ आपके बुक में लिखा हुआ है तो ये जो चीजें हैं इसके आधार पर बेस ये है कि इसके आधार पर इकोनॉमी डेवलप करने की बात है और इसमें दुर्भाग्य हमारा क्या हो रहा है जैसे उदाहरण के रूप में मैकडोनाल्ड इज हंड्रेड परसेंट हलाल सर्टिफाइड स्टारबक्स इज हंड्रेड परसेंट हलाल सर्टिफाइड पिजाट इज हंड्रेड परसेंट हलाल सर्टिफाइड के एफ्स इज हंड्रेड परसेंट हलाल सर्टिफाइड अब मैकडोनाल्ड में जाने वाले जो मुस्लिम है यदि वो हलाल डिमांड कर रहे हैं तो आप उनके लिए एक टेबल रिजर्व कर सकते हैं कि जो पांच कस्टमर है आपके लेकिन बाकी बच्चे जो 95 परसेंट हिंदू वहां पर जा रहे हैं उनको आप जबरन हलाल क्यों दे रहे हैं उन्होंने तो कभी डिमांड नहीं किया है तो जो आर्टिकल 21 फ्रीडम टू एट आपको कॉन्स्टिट्यूशनली देता है क्या वो हमें अधिकार नहीं है क्या भारत में हम मेजोरिटी है लेकिन हमें सेकेंड क्लास सिटीजन माना जा रहा है कि हमें जबरदस्ती हलाल खिलाया जा रहा है इसलिए हमारा ये कहना है कि हलाल एंड नॉन हलाल इन प्रोडक्ट का सेग्रीगेशन होना चाहिए इनको अलग तरीके से रखना चाहिए दूसरी बात ये है कि जैसे रेस्टोरेंट्स है तो हलाल देना है दीजिए हमें कोई आक्षेप नहीं है लेकिन उनके लिए अलग सिस्टम्स बनाइए। उसका कारण जैसे सिखों के धर्म ग्रंथ में राहत मर्यादा में लिखा गया कोई भी सिख समाज का व्यक्ति हलाल नहीं खा सकता है ये लिखा हुआ है लेकिन फिर तो आप दूसरे जो हमारे माइनॉरिटी सिख बंधु या उनके धर्म का तो अपमान कर रहे हैं इसके अंदर तो इसलिए ये जो बातें हैं इन बातों को लेकर के हमने इस विषय पे आवाज उठाया लोगों में जागृति की लोगों को बताना चालू किया कि आपका पैसा हलाल में जा रहा है अब सिर्फ हलाल में जा रहा है इतना ही इशू होता तो बात अलग थी लेकिन जमियत उलेमा हिंद जब केंद्र सरकार ने सी और एनआरसी का, का कानून बनाया जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ तो इसका सारा फंडिंग इन्होंने किया तो भारत विरोधी जितने सारे मूवमेंट्स है आज कल कल का भी उदाहरण देख लीजिए कि जब यूसी पारित हुआ उत्तराखंड में तो वही सिद्दिकूला चौधरी है जो जमीत उलमा हिंद का बंगाल का प्रमुख है उसने कहा कि नहीं हम इसको सहन नहीं करेंगे हम इसके विरोध में आंदोलन करेंगे तो जो भारत विरोधी बात करने वाले हैं, उनको इसका पैसा जा रहा है साथ ही में उलमा हिंद भारत के सैकड़ों आतंकवादियों का केस लड़ रहा है उनके लिए एडवोकेट्स प्रोवाइड कर रहा है तो ये जो चीज़ें हैं कि इस इकोनॉमी का पैसा यदि इस दिशा में डाइवर्ट हो रहा है तो इस पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और ये जब हमने सरकार के साथ बात कही तो फर्स्ट सक्सेस हमें तब मिला कि जब मैं हमारे लीगल टीम ने हमने पिटिशन की थी कि 2013 में कांग्रेस ने जाते जाते एक प्रोविज़न किया था वो प्रोविज़न ये था कि अपेडा इज वन डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी तो यहाँ से आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलता है उन्होंने एक रूल किया था कि आप एक्सपोर्ट लाइसेंस को अप्लाई करना है तो हलाल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा तो हमने ये प्रश्न पूछा कि यदि मेरा सामान मुझे जापान में भेजना है वियतनाम में भेजना है जर्मनी में भेजना है ऑल आर नॉन मुस्लिम कंट्रीज दे आर नॉट अमे अबाउट हलाल सर्टिफिकेशन सो वाई यू आर मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर मी वाई आई शुड गो टू हलाल सर्टिफिकेशन अथॉरिटी वाई आई शुड पेटी थाउजेंड रुपीज तो इस दृष्टिकोण से जो हमने ये पिटिशन रखी जनवरी 2023 में मोदी सरकार ने फर्स्ट डिसीजन लिया और एक्सपोर्ट लाइसेंस अथॉरिटी से हलाल सर्टिफिकेशन को उन्होंने निकाल दिया सो इट वॉज अ फर्स्ट सक्सेस देन नाउ इन नोवर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री आफ्टर लॉन्ग अवेयरनेस योगी जी ने इसका संज्ञान लेकर के उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को बैन कर दिया okay. तो ये इन दो बातों से ये बातें स्पष्ट हो गई कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है right. जो हम कह रहे हैं एक पैरेलल इकोनॉमी बनाने का प्रयास है और आज ये छोटी इकोनॉमी नहीं है दिस इज नाउ टू ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी फॉलोवर यानी हम भारत की आजादी के बाद 77 इयर्स के बाद आज मोदी जी सत्ता में हैं तो आज हम चार ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बने हैं और हलाल इकोनॉमी मात्र दस वर्षों में दो ट्रिलियन डॉलर्स पर जाकर के पहुंची है तो इन बातों को यदि हम देखेंगे तो इस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए समाज ने विचार करना चाहिए और जिन लोगों को लगता है इन्हें केवल हलाल कहने से ही हम कोई विरोध कर रहे हैं या ऐसे नहीं है आप इन बातों को समझिए हलाल एंड हलाल सर्टिफिकेशन इज टोटली डिफरेंट करेक्ट इसके इसके अंदर कोई मज़हब की बात नहीं है कई देशों में तो मुस्लिम पूछ रहे हैं जैसे योगी जी ने बैन लगाया तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महासभा है उन्होंने योगी जी को पूरा सपोर्ट दिया और कहा कि हमारे मजहब में इन सब बातों को हलाल का कोई मायना नहीं है और ये कुछ मौलाना पैसा जमा करने के लिए सब बिजनेस कर रहे हैं इसके लिए इसकी कोई मान्यता इस्लाम में नहीं है वे आर टोटली विद सपोर्ट इन सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट तो मतलब इन बातों से भी हम समझ सकते हैं कि ये कोई मजहबी बात है नहीं तो आज योगी जी ने बैन लगाया है और अभी तो आ, मुस्लिम संस्थाओं ने उसे तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया है तो मुझे लगता है कि इन बातों पर हम भी उसके अंदर इंटरवेंशन करने का अभी हमारी लीगल टीम प्रयास कर रही है तो अब मुद्दा तो कानून के दायरे में आ चुका है लेकिन इन बातों को हम भी साबित करेंगे कि क्या है क्या नहीं, नहीं। है इसमें एक में और महत्व का मुद्दा जो अभी हाल में सामने आया जब इसराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया सो वी ऑल नो दैट हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो हमास के ऊपर जब अटैक किया नेक्स्ट डे विश्व के सभी बड़े न्यूज़पेपर में एक पूरे पन्ने का एडवर्टाइजमेंट छपा जिसके अंदर इजराइल के अंदर बनने वाले सारे मैन्युफैक्चरर्स या सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं सभी का लिस्ट प्रिंट हुआ और ऊपर लिखा गया फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ऑल दिस इजरायली प्रोडक्ट्स आर हराम फॉर ऑल मुस्लिम्स यू शुड नॉट बाय एनी इजरायली प्रोडक्ट तो मेरा सवाल यह है यदि मैंने सिक्सटी थाउजेंड रुपीज पे करके यदि आपसे एक साल के लिए सर्टिफिकेट लिया है हाउ इट इट इज इट हैज बिकम इनवेलिड तो क्या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक करने से क्या ऐसे हो जाता है कि आपका सर्टिफिकेशन इनवैलिड हो गया अचानक से कल तक आपका प्रोडक्ट हलाल था आज हराम हो गया तो यह कहां से होता है इसलिए यह स्पष्ट करना चाहिए यह आपका मजहबी सर्टिफिकेट है यह आपकी मोनोपोली है या आपका क्वालिटी बेस्ड सर्टिफिकेट है यह क्या है क्योंकि हमारे यहाँ तो ड्रग इंस्पेक्टर्स है हमारे यहाँ तो साइंटिस्ट है फूड साइंटिस्ट है फूड टेक्नोलॉजिस्ट है तो वो उसे जांच करके सब सर्टिफिकेशन कर रहे हैं जब मैं तोले मैं, मैं कौन साइंटिस्ट है उसके ऊपर जा करके कह रहा है ना मैं उसके अंदर जाँच करूंगा तो ये तो एक सुपर अथॉरिटी हो गई okay. और इसलिए जैसे मैं कोई अच्छा ड्राइविंग ट्रैक बनाने से अच्छी टेस्ट लेने से मैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपनी चालू नहीं कर सकता मैं किसी को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दे सकता हूँ अब मैं स्कूल चालू करके ट्रेन कर सकता हूँ वैसे ही जैसे ड्राइविंग लाइसेंस देना ये सरकार का काम है वैसे फूड लाइसेंस देना ये सरकार का काम है किसी प्राइवेट एन का नहीं और इसी बात पर हम लोगों में जागृति कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही स्पष्टता से हलाल जो है कि हलाल क्या है हलाल सर्टिफिकेशन क्या है और हमारा विरोध किस मुद्दे पर है तो यह स्पष्ट हुआ रहेगा सो सरल भाषा में जो मुझे आपने एकदम समझाया हुआ है समझ में आया कि पहली बात तो जो हलाल सर्टिफिकेशन वाली चीज़ है उसका एक्चुअली इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है ना ही उनकी रिलीजियस बुक से लेना देना है और दूसरी चीज़ ये कि कही कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार ने उन्हें सपोर्ट किया था जो आपने बात बताई टू में जो इम्पोर्ट के लिए एक्सपोर्ट के लिए जो लिया था ओके राइट सो so, इसमें एक और पॉइंट मुझे पूछना था आपसे कि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है ये वर्ल्ड अक्रॉस हर कंट्री अपना अपना देती है या सिर्फ भारत में ही चलता है या ये एक ग्लोबल इकोनॉमी चल रही है जी आ, ये लगभग पूरे विश्व के सारे कंट्रीज में हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो चालू है आ, इसमें हम एक्सेप्शन ले सकते हैं श्रीलंका का सिर्फ कि श्रीलंका में भी हलाल सर्टिफिकेशन चालू था लेकिन हम सबको बताया कि वहाँ पर ईस्टर में जो बॉम्बिंग्स हुए थे तो उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में वहाँ पर जांच में सामने आ गया कि हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा उस टेररिज्म के एक्ट में यूज हुआ तो श्रीलंका में एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड एज अ बोडो बाला सेना तो उन्होंने पूरे श्रीलंका में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया और उन्होंने श्रीलंका के सरकार को इस पर बाध्य किया कि श्रीलंका में हलाल सर्टिफिकेशन बैन हो तो श्रीलंका में हलाल सर्टिफिकेशन बैन हो सकता है तो पूरे विश्व में किसी भी देश में बैन हो सकता है इस कारण से इस बात को यदि हम देखेंगे इसके साथ ही मैं और एक इसका एक इंसाइट देना चाहूँगा क्योंकि कई बार ये होता है कि जब भी हम बात करते हैं तो उनका एक मुद्दा रहता है कि हलाल इज द डिक्लेयर्ड साइंटिफिकली डिक्लेयर्ड सेफ मेथड ऑफ स्लॉटरिंग तो ये जो है ये आधा सच है आधा सच क्यों है क्योंकि इसमें 1978 में जर्मन एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर विलियम शुल्ज इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था और ये जो रिसर्च किया था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि पूरे विश्व की जितनी स्लॉटरिंग मेथड है उसके अंदर हलाल इज द सेफ मेथड अब ये बात तो वो सब जगह पर बताते हैं लेकिन इस बात को नहीं बताते हैं 2002 में डॉक्टर विलियम शुल्ज ने अपना एक नोट किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैंने जिस लैब में ये एक्सपेरिमेंट किया था लेटर आई फाउंड दैट लैब वॉज अ फॉल्टिंग सो so, इस कारण से मैंने जो रिपोर्ट दिया है यू शुड नॉट कंसिडर एज अ फाइनल वन तो इस बात को कोई नहीं बोलता है दूसरा जब यूरोपियन यूनियन में इसके ऊपर बात हो गई तो उन्होंने 2009 में डॉक्टर क्रेग जॉनसन मैथ्यू यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट है इनको कहा कि आप अब इसमें रिसर्च करके बताइए तो 1978 से 2009 मतलब 31 इयर्स का गैप हुआ था और अब 31 इयर्स में साइंस काफी एडवांस्ड हुआ था तो उन्होंने ब्रेन मैपिंग के द्वारा इसकी जांच की और उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो हलाल के सिस्टम जो है कि सामने से वो सिर्फ गला स्लिट करते हैं लेकिन हमारा ब्रेन का जो कनेक्शन होता है हमारे जो वेंस के अंदर से जो कनेक्शन होता है या ब्रेन सेल्स जो हमारे ट्रैवल करते वो हमारे बैकबोन से करते हैं तो उस कारण से उसका उस पशु का बैकबोन इंटैक्ट होने के कारण से उस पशु को जो दर्द होता है वो ढाई मिनट से दस मिनट तक होता है इसलिए इट इज द क्रूएल मेथड और इस कारण से यूरोप के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को उन्होंने मान्य किया यूरोप की छः कंट्रीज में हंड्रेड परसेंट हलाल पर बैन है आज तो इस कारण से बेल्जियम में बैन है स्विट्जरलैंड में बैन है नॉर्वे में बैन है नेदरलैंड्स में बैन है तो इन बातों को कहीं बताया नहीं जाता है लोगों को यही बताया जाता है कि नहीं हलाल तो पूरे विश्व में है लेकिन हलाल के ऊपर यूरोप की छः कंट्रीज ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया है तो मेरा यही कहना है कि जब यूरोप के अंदर ये रिसर्च मान्यता वहाँ पर है तो फिर भारत में रिसर्च क्यों नहीं माना जा रहा है और इसलिए ये जो सेफ मेथड की जो बात है और ये जो उनका दावा है ये सबसे पहले झूठा है तो इसे हमें समझना चाहिए क्योंकि साइंटिफिकली इट इज़ नाउ प्रूवन और इन बातों को यदि हम देखते हैं तो आज पूरे विश्व में ये एकमी फ्लो हो रही है मैकडोनाल्ड से लेकर के सारे जो Uh, विश्व के जितने बड़े व्यापारी संगठन है तो सभी को इसके अंदर uh, मतलब हलाल का एक टैक्स देना पड़ता है नाउ वी कैन से दिस इज अ मॉडर्न जजिया टैक्स दिस इज द ओनली वर्ल्ड वी कैन से फॉर इट मुझे कुछ डेढ़ साल पहले पता चला था कि मैकडोनल्ड्स भी हलाल सर्टिफाइड है तब तो से मैंने नहीं खाया है मुझे बहुत पसंद था उनका उनका बर्गर बट uh, नहीं खाना है मतलब नहीं खाना सो so, um, आपने जैसे कहा कि हम आप इस चीज़ पर अब uh, चाह रहे हैं ज़्यादा जारे से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो आई होप कि ऑडियंस हमारी जो ये बात सुन रही है नाव दे गेट अवेयर और इस चीज़ को और आगे स्प्रेड करें और ज़्यादा इसमें अवेयरनेस क्रिएट करें कमिंग टू um, बहुत सारी और चीज़ें मैंने देखी जो आपकी समिति करती है सो so, हिंदू राष्ट्र जो 47 में बनना चाहिए था <laughs> पर कांग्रेस बींग कांग्रेस जो भी करा उन्होंने अपीजमेंट के लिए अब क्या लगता है क्या आपकी तैयारी है और क्या हमें हिंदू राष्ट्र मिलेगा कभी कैसे हम सब इस यू you नो know, अब से जुड़ सकते हैं व्हाट डू मुझे से लगता है कि 22 जनवरी के दिन हमने एक चीज को प्राप्त कर लिया है तो प्रभु श्री राम आ गए तो राम राज्य आने में समय नहीं लगना चाहिए ऐसे हमने मानना चाहिए तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदू राष्ट्र बहुत ज्यादा कठिन बात है और इस पर मेरा बुक है मैंने चार पुस्तकें हिंदू राष्ट्र के बारे में लिखी है कि हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है हिंदू राष्ट्र की संवैधानिक मान्यता क्या है हिंदू राष्ट्र के बारे में जो आक्षेप उठाए जाते हैं उन सभी का उत्तर देने का मैंने कार्य किया है तो इन बातों से हमने हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने रखा है पहले बात तो यह आती है कि ये जो देश जिस देश की हम बात कर रहे हैं ये सदियों से हिंदुओं का देश रहा है मतलब सत्ययोग त्रेता युग द्वापार युग और कलयुग में भी अब कुछ बीच का जो हमारे ऊपर जो आक्रांताओं के आक्रमण हुए उन सबको छोड़ करके लेकिन इस दौरान भी पूरे भारत के ऊपर किसी भी दिन इस्लामिक राज्य पूरी तरीके से नहीं रहा है चाहे वो महाराणा प्रताप जी ने लड़ा हो छत्रपति शिवाजी महाराज या लाचित बड़ फुकर ने आसाम में लड़ाई लड़ी हो तो इन बातों से हम ये समझ सकते हैं कि पूरा तो कभी हम गुलाम रहे नहीं कहीं पर भी नहीं रहे और जो बाकी लोगों ने ब्रिटिशों ने भी राज किया तो वास्तविक राज तो राजा ही करते थे हमारे यहाँ पर उनसे सिर्फ वो टैक्स वसूलते थे तो इसलिए ग्राउंड लेवल पर यदि हम देखेंगे तो ये सारी भूमि जो है हिंदुओं की है अब इसके अंदर एक बात के बारे में कई बार चर्चा नहीं होती है मैं ये बात को विशेष रूप से रखना चाहता हूँ भारत में जब आज़ादी का समय आया तो दैट टाइम देअ फाइव 565 प्रिंसली स्टेट्स तो ये पाँच हमारे यहाँ पर रियासतें थी या राजाओं के संस्थान थे ब्रिटिशों ने यह कहा कि आपने तय करना है कि आपको कहाँ जाना है तो उस समय पे भारत में ये हुआ कि भारत के राजाओं ने कहा कि हमें भारत में आना है और जैसे बलूचिस्तान था या गिलगिट बाल्टिस्तान था या सिंध था आधा पंजाब था तो उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान में जाना है तो तेरह राजाओं ने कहा हमें पाकिस्तान में जाना है एंड रिमेनिंग 552 राजाओं ने कहा हमें भारत में रहना है दो बातों पर चर्चा या यहाँ पर डिबेट हुए कि हैदराबाद का निज़ाम चाहता था पाकिस्तान में जाना जूनागढ़ का नवाब चाहता था पाकिस्तान में जाना लेकिन हैदराबाद की 90 परसेंट पॉपुलेशन हिंदू थी कश्मीर जैसे था कि कश्मीर का तो डिस्प्यूट उसी समय पर निपट गया क्योंकि वो चाहते थे कि हम दोनों तरफ नहीं जाए हम इंडिपेंडेंट रहे लेकिन जैसे ही आज़ादी मिली तुरंत पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो वहां पर तो हमारे सेनाओं ने जाकर के प्रोटेक्ट किया और उनको भारत में शामिल करवा के लिया लेकिन जैसे ये बातें हम कहते हैं तो ऑपरेशन पोलो ऑपरेशन टोपाज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की और फिर ये जूनागढ़ और हैदराबाद जो थी कि लोगों की मान्यता ये थी कि हम यहाँ रहना चाहते हैं तो इन बातों को यदि हम देखते हैं तो भारत जो है वो पाँच हिंदू राजाओं ने भूमि देकर के बनाया हुआ देश है इसलिए यदि हम इन बातों को देखते हैं आप एक्सेशन के रिपोर्ट्स पढ़िए काशी के राजा का एक्सेशन का रिपोर्ट आप पढ़िए भारत सरकार के साथ किया हुआ उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ का हिंदू एजुकेशन होना चाहिए यहाँ के जो बीस हजार मंदिर जो राजा चला रहा है उसे बहुत अच्छी तरीके से चलाना चाहिए यहाँ पर संस्कृत का विश्वविद्यालय होना चाहिए ये सारे एक्सेशन रिपोर्ट में लिखी हुई बातें हैं लेकिन इस इस पर कोई चर्चा नहीं होती है कहीं पर तो जिन राजाओं के साथ कांग्रेस सरकार ने उस समय पर एक्सेशन किया था राजाओं ने कुछ मान्यताओं के साथ अपनी भूमि अपना राज्य भारत सरकार को सौंपा था और वो ये चाहते थे कि उस समय पे हिंदू संस्कृति हिंदू परंपरा का संरक्षण हो लेकिन भारत ने तो फिर बाद में कहा हम तो सेक्यूलर है और ये सेक्युलरिज्म का भी जो पाठ आता है ये भी एक छलावा है क्योंकि जब भारत तो 15 अगस्त उन्नीस को स्वतंत्र हुआ 26 जनवरी उन्नीस में हमारा संविधान बना तो दो साल के बीच में ये जो प्रोसेस था संविधान बनने का प्रोफेसर केटी के टी शाह इन्होंने संविधान की सभा में अपना मुद्दा रखा कि भारत को सेक्युलर बनाना चाहिए उनका मुद्दा ये था कि तभी हाल ही में दंगे हुए थे और पॉपुलेशन एक्सचेंज के दरम्यान जो पाकिस्तान से जो ट्रेनें भर भर की आई थी उसके अंदर इतनी डेड बॉडीज इतनी बलात्कारित महिलाओं के दृश्य थे कि उन्होंने कहा कि नहीं भारत के हिंदू इन्हें रहने नहीं देंगे यहाँ पर अब इसमें भी आप विशेष रूप से यदि देखेंगे कि पूरे भारत में मुस्लिम लीग के सपोर्ट में हंड्रेड परसेंट पाकिस्तान का यदि वोटिंग कहीं पर हुआ है तो मैं समझता हूँ कि भारत में आज ये बात किसी को भी नहीं पता है हंड्रेड परसेंट वोटिंग यदि कहीं हुआ तो वो तमिलनाडु में हुआ तमिलनाडु के मुसलमानों ने कहा 100 परसेंट वी आर विध मुस्लिम लीग एंड वी पाकिस्तान क्या आपने पाकिस्तान में एक भी तमिल बोलने वाला मुसलमान देखा है आज तो हंड्रेड परसेंट वोटिंग किया उसमें से एक भी नहीं किया वहां पर तो तो ये जो बातें थी तो इन्हीं बातों को लेकर के प्रोफेसर केटी शाह ने यह मुद्दा रखा कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए भारत को सेक्यूलर घोषित कर दो इसका विरोध डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया और जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे मुखर्जी तो उन्होंने कहा कि नहीं भारत सेक्युलर नहीं होगा तो ऐसे में उनके मन में जो शंकाएं थी उस कारण से हमारे देश में आर्टिकल 26 सिक्स टू थर्टी ये ऐड किए गए जिसके अंदर माइनॉरिटी को स्पेशल राइट्स मिले माइनॉरिटी के स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मिले माइनॉरिटी को स्पेशल आ, जो अपने बिल्डिंग्स हो सकती है या उनके रिलीजियस जो एजुकेशनल के अभ्यासक्रम हैं वो हो सकते हैं ये सारे राइट्स उनको मिल गए उस दौरान और एक प्रकार से भारत के मेजोरिटी हिंदू समाज से अन्य हुआ एक तरफ हम कह रहे डेमोक्रेसी है किसी भी डेमोक्रेसी में कानून मेजोरिटी के अनुसार बनते हैं माइनॉरिटी इज एक्सेप्शन हमारा पहला देश ऐसे बना कि हमारे देश में माइनॉरिटी के लिए कानून बने और मेजॉरिटी का सोचा ही नहीं गया तो ये एक छल हमारे साथ में हुआ जिससे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर काफी नाराज थे मुझे सॉरी आप कट कर, कर रही ये बात नहीं बताती मुझे लगा था कि आर्टिकल 25 से 30 हमारे अगेंस्ट पहले ही बना दिया गया था पर बाबा साहब वॉज अगेंस्ट बहुत बड़ी चीज है जो आज पता चली है, है। ओके। और इसको यदि हम देखते हैं अब भारत तो सेक्यूलर बना ही नहीं उस समय पे तो भारत सेक्युलर कब बना भारत सेक्युलर बना हमारे फोर्टी सेकंड अमेंडमेंट में 1976 में जब इमरजेंसी लागू की थी इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि संविधान में चेंजेस हो सकते हैं लेकिन कब जब दोनों पार्लियामेंट के सदन चलने चाहिए राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों में बिल लाना चाहिए उसके अंदर थ्री फोर्थ मेजोरिटी होनी चाहिए तब जाकर के संविधान में बदलाव हो सकता है इमरजेंसी में विरोधी पक्ष जेल के अंदर था सुप्रीम कोर्ट पद पे ही नहीं था मतलब उसके तो कोई सुना नहीं जाता था राष्ट्रपति केवल साइन के लिए बचे थे और इमरजेंसी के दौरान सारे अधिकार इंदिरा गांधी के पास थे ऐसे समय में भारत के संविधान के प्रियम्बल में चेंज करके इंडिया इज अ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर कंट्री ये दो शब्द जो है ये 1976 में ऐड किए गए अब ये 1976 में जो ऐड किए ही सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका चालू हुई है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एंड अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन इनकी कल से ही ये पिटीशन चालू हो चुकी है तो हमारा विश्वास है कि ये सामने आएगा आप लोगों के सभी के लेकिन इस बात को यदि हम देखते हैं तो कितना बड़ा छल कपट है कि आज हमें ये कहा जा रहा है कि अरे आप तो सेक्युलर है लेकिन सेक्युलर बने कब नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में उन्नीस सौ उनचास में जिस संविधान को बाबा साहेब आंबेडकर ने बनाया था उसमें तो हम सेक्युलर नहीं थे तो सेक्युलरिज्म का छल कपट कैसे किया जा रहा है हिंदू समाज के साथ में ये हम यहां पर देख सकते हैं अब इसमें दूसरी बात आती है यदि भारत को 1976 में सेक्युलर किया तो फिर माइनॉरिटी कैसे बचती है क्योंकि माइनॉरिटी तो आप धर्म के आधार पर मान रहे हैं exactly. तो सेक्युलरिज्म में ये कैसे होता है एक उदाहरण के लिए हम लेंगे हमेशा सबसे पूछती हूँ की जब स्टेट डिक्लेयर रिलीजन ही नहीं है तो आप माइनोरिटी कहां से ला रहे, रहे हैं तो ये जो है क्योंकि माइनॉरिटीज आ गई थी 1949 में तो जब सेक्युलर करना था तो माइनॉरिटी के क्लॉजेस निकाल देने चाहिए थे exactly. तब ये देश सभी के लिए समान हो जाता था यानी माइनॉरिटी के क्लॉजेस भी रखे और आप कह रहे सेक्युलर भी है तो फिर ये देश है क्या ये सबसे बड़ा प्रश्न है 1973 में ये 76 में हुआ 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला या वो जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस चला कि आज तक भारत का सबसे बड़ा थर्टीन जजेस का बेंच का यह डिसीजन है उसके अंदर यह कहा गया था कि संविधान के मूलभूत ढांचे में कोई चेंज नहीं हो सकता है तो संविधान का पर्याबन उसका मूलभूत ढांचा नहीं है क्या आपने उसके अंदर चेंज कर दिया आज भी आप संविधान के प्रस्तावना को पढ़िए जो संविधान की प्रस्तावना में यह कहा जाता है कि ये छब्बीस जनवरी उन्नीस में इसे लागू किया जा रहा है उसके अंदर आपने सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड डाले है जबकि वो चेंज ही आपने 1976 में किया है तो डेट को आप गलत बता रहे हैं या तो आपने कहना चाहिए 1976 में हमने किया तो लोगों को मूर्ख बनाने का ये एक तरीका कांग्रेस ने उस समय पर खोज लिया। और हमें ना तो सेक्युलर बनने दिया ठीक तरीके से ना तो माइनॉरिटीज के आधार पर इसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा अभी हमारे देश में कांग्रेस के समय पर हज यात्रा के लिए करीब करीब 864 करोड़ रुपए दिया जाता था अनुदान के रूप में यदि भारत सेक्युलर है तो क्या 864 करोड़ रुपया हम दे सकते हैं ये सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए क्योंकि क्या हज में जैन जा सकता है क्या हज में सिख जा सकता है क्या हज में कोई बुद्ध जा सकता है क्या हिंदू जा सकता है तो सेक्युलरिज्म का मतलब यह होता है कि जनता के द्वारा कलेक्ट किया गया हुआ टैक्स किसी एक मजहब के ऊपर खर्च नहीं कर सकते हैं हज तो पूरी तरीके से मुस्लिम तो फिर यहां पर सेक्युलरिज्म आप कह रहे हैं कि भारत सेक्युलर है लेकिन खुद जो काम कर रहे हैं वो तो सेक्युलरिज्म के अंदर कहीं आता ही नहीं है तो ऐसी बातों से हिंदू समाज को बहुत बड़ी तरीके से उन्होंने छल कपट करके सेक्युलर सेक्युलर नाम पर उनको अपने धर्म से बाजू करने का प्रयास किया आज भी हम देख रहे कि मदरसा में कुरान पढ़ा सकते हैं कॉन्वेंट में बाइबल पढ़ा सकते हैं लेकिन हिन्दुओं की गीता कहीं नहीं पढ़ाई जाते है जबकि दोनों धर्म ग्रंथ के दो दो अंदर क्या लिखा है ये हम सब जानते हैं उसके अंदर कलकत्ता कुरान पेटिशन को हम पढ़ेंगे तो ये बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी लेकिन जब हिंदू धर्म के भगवत गीता सभी के विश्व की बात कर रहे हैं हमारा कोई भी सिद्धांत ले लीजिए कि जिस सिद्धांत के अंदर सिर्फ हिंदू धर्म की बात की गई हो सर्वे भी सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया हम सबकी बात कर रहे हैं विश्व बंधुत्व जो है वो कॉन्सेप्ट हमारे पास है हमने विश्व बंधुत्व की बात की है कुरवन तो विश्व मारियम यह हमारी बात है हमने पूरे विश्व को आर्य अर्थात सुसंस्कृत बनाएंगे ये हमने कहा है तो हमारा धर्म केवल हमारे मजहब के लिए नहीं है आज भी ये जो जन्नती मौलाना है कि जो यहाँ लोगों को भड़काते हैं कि आप इस तरीके से आतंकवाद करने से जन्नत में जगह मिलेगी ये होगा वो होगा या जिस तरीके से ईसाई कॉन्सेप्ट को भी ला करके धर्म परिवर्तन चल रहा है कि आप सिर्फ ईसा मसीह के शरण में आ जाएंगे तो आपको स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे हिंदू धर्म क्या कहता है वो कर्म फल सिद्धांत पर है वो कहता है कि आप व्यक्ति कुछ भी हो आपका मजहब कुछ भी हो आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा वो हिंदुओं को रिजर्वेशन नहीं देता है कहीं पर करेक्ट तो हमारा कर्म फल सिद्धांत हमारे धर्म की जो बातें हैं इन बातों को यदि हम देखेंगे तो हमें यह बहुत स्पष्टता से दिखाई देता है कि हमने विश्व के कल्याण की बात की है और इसलिए हिंदू राष्ट्र कोई सेक्टेरियन राष्ट्र की बात ही नहीं है कहीं पर भी एक विशाल बृहद संरचना है या उसके अंदर वैश्विक दृष्टिकोण की संरचना है और इसके लिए हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को कहीं पर सेक्युलरिज्म और ये जो बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं लेकिन इन मुद्दों में हमारे समाज को पूरे भारत के लोगों को भ्रमित करके रखा हुआ है आज सेक्युलरिज्म के पुल सब जगह पर खुल रही है आज हम चाइना का उदाहरण लेते हैं भारत के जितने वामपंथी है सब चाइना से आदर्श लेकर के बात कर रहे हैं और आज रशिया के बाद तो चाइना ही सबसे बड़ा एक अथॉरिटी वाला जो कम्युनिस्ट स्टेट है या कम्युनिस्ट देश बचा हुआ है क्या उसके अंदर पुरान पूरा पढ़ने के लिए देते हैं क्या चाइना के अंदर फ्राइडे की नमाज होती है क्या चाइना के अंदर चार बीवी करने की अनुमति मिलती है तो यही वामपंथी जो चाइना में चल रहा है उसके बारे में भारत में नहीं बात कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं नहीं सेक्युलरिज्म में आपने इन सब बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए तो इससे बड़ी जिसको हम कहेंगे कि मूर्ख बनाने वाली बात कुछ नहीं हो सकती है और इसलिए सेक्युलर कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे विश्व में फेल हो चुकी है विश्व के किसी भी देश को आप देख लीजिए यूरोप के किसी भी देश को देख लीजिए जिन्होंने सेक्युलर कॉन्सेप्ट पर चलने का प्रयास किया आज वो देश जो है वो सक्सेसफुल नहीं है और आज हम भारत जो देखते हैं कि भारत को 2014 तक इसी सेक्युलर कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहे थे और परिस्थिति ऐसी थी कि भारत लगभग आर्थिक व्यवस्था में डूब जाएगा आज फिर एक बार जब से मोदी जी की सरकार आई है हमने ये देखा है 2014 के बाद आज हम विश्व की पांचवी इकोनॉमी पर जाकर के पहुंचे हैं तो ये हम देखते हैं कि आज भी राज्य की व्यवस्था हमारे पास है आदर्श राज्य कैसे होगा वो हम जानते हैं हमारे सारे जितने आप ग्रंथ लेंगे उनके अंदर सारी इन व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की है आप रामायण के अंदर भी आप उदाहरण देखेंगे कि जो अरण्य कांड है कि जहाँ पर प्रभु राम जी से मिलने के लिए भरत आते हैं और भरत आते हैं तो प्रभु श्री राम जी पहले उनका स्वागत नहीं करते हैं प्रभु श्री राम जी पहले उनको पूछते हैं कि राज्य में क्या चल रहा है क्या राज्य के अंदर गोमाता ठीक है क्या राज्य के अंदर टैक्स की व्यवस्था ठीक चल रही है या राज्य के अंदर जो लोग हैं उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही है ये जो वन में रहा रहने वाला जो राजकुमार है वो भी अपने राज्य के बारे में पहले पूछता है ये हमारी परंपरा है हमारी संस्कृति है इसके लिए हमें कोई विदेश की कोई सेक्युलर राजनीति से हमें कोई सीखने की जरूरत ही नहीं है इसलिए ये जो कांसेप्ट्स है ये कांसेप्ट जिसको एक कहा जाता है कि पैराडाइम शिफ्ट में ये कांसेप्ट्स आ गई लेकिन ये क्यों आ गई क्योंकि हर कंट्री के अंदर कहाँ पर सीरियन चर्च का काम था कहाँ पर लुथेरियन चर्च का काम था कहीं पर इजिप्शियन चर्च का काम था और ये सारे चर्च एक दूसरे से लड़ रहे थे ऑर्थोडॉक्स चर्च था या रोमन कैथोलिक्स है प्रोटेस्टेंट है तो ये चर्च के बीच में जो झगड़ा चल रहा था उन्होंने संधि की और कहा कि नाउ द स्टेट विल बी सेक्यूलर दैट मींस वी द किंग विल नॉट फॉलो द रूल और ऑर्डर ऑफ और डिक्टेट ऑफ द पोप तो ये जो है सेक्युलर होने का मतलब क्या है कि पहले जैसे इस्लाम में खलीफा को कहा जाता है कि राजा भी वही होगा और धर्मगुरु भी वही होगा वैसे ही क्रिश्चियनिटी के अंदर था जो पोप है आज भी आप देख लीजिए पोप है वैटिकन सिटी का वो प्रेसिडेंट कहा जाता है विश्व की सबसे छोटी कंट्री कहा जाता है उसे तो एक ही व्यक्ति धर्मगुरु भी होना और राजा भी होना और उसने बाकी सबको आदेश देना इस कॉन्सेप्ट को जहां पर तोड़ा गया उसे कहा गया ये लंदन के राजा ने किया था और उसने ये कहा मुझे लगता आठवा उसने ये सेक्युलर uh, कॉन्सेप्ट लाया और उसने कहा नाउ माय स्टेट विल बी अ सेक्युलर स्टेट दैट मींस आई विल नॉट फॉलो एनी ऑर्डर बाय चर्च तो मैं राजा हूं मैं खुद के अपने आदेश निकालूंगा ये सेक्युलर स्टेट है तो ये सेक्युलर स्टेट तो ईसाई कॉन्सेप्ट है ना हमारे धर्म से क्या इसका मतलब है इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को भारत में लागू करना और भारत में लागू कर ये सारे लाभ अब आप पूरी तरीके से लाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि फिर भारत के हमारे पार्लियामेंट का सिस्टम चेंज करना चाहिए क्योंकि आज यूरोपियन पार्लियामेंट को आप देखेंगे तो यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जिसे आज हमारे यहाँ पर राज्यसभा या अपर हाउस कहा जाता है वहां पर एक है कॉमन हाउस एंड लॉर्ड्स हाउस तो लॉर्ड्स हाउस में वहां पर 22 टू आर्च बिशप बैठते हैं

और उसको कांग्रेस ने इस तरीके से गलत तरीके से प्रेजेंट किया है कि इन बातों से हमें दूर हटना होगा और इसलिए हमारा कहना यह है कि जो गलती आपने 1976 में की है उसको सुधार दीजिए और जब भारत सेक्युलर था नहीं उन्नीस में नाइनटीन तक तो सेवनटी में तो आपने शब्द एक्सेप्ट कर लिया ना तो आर्टिकल 368 तो अधिकार देता है सरकार को कि उसके अंदर आप नया शब्द डाल सकते हैं तो क्यों कल सेक्युलर शब्द निकाल करके हिंदू राष्ट्र भी डाल सकते हैं और ये बहुत सिंपल बात है तो इसलिए हिंदू राष्ट्र होना बहुत कठिन बात इंटरेस्टिंग काफी इंटरेस्टिंग है ये हम सब लगे हुए हैं आपके साथ में सो आई होप एक दिन वो ऐसा बीच में आपने एक दो बार बात करी हिंदू टेम्पल्स की तो ये कैसा विषय है हमने पहले भी इस पॉडकास्ट पर उसके बारे में बात करी है कई गेस्ट से पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हूँ इससे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि प्लीज स्टेट्स हमारे मंदिर छोड़ दें एक तो सारा पैसा स्टेट्स ले जा रहे हैं कोई आर नहीं है कोई उस हियरिंग नहीं होती है और दूसरी चीज हम अपनी जो कम्युनिटी है उसको कुछ भी नहीं कर कर पा रहे विद दैट मनी सो क्या कर रहा है एस टू गेट द टेंपल्स फ्री फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इसमें हमने दो स्तर पर काम चालू किया है पहला तो जिन मंदिरों को सरकार ने डेकोर किया है तो वहां पर जो आज करप्शन मैसिव करप्शन चालू है उसको एक्सपोज करना आज हमारे पांच पी एल्स हाईकोर्ट्स में चल रही है और उसके द्वारा हमारा एक प्रयास ये है कि लोगों के सामने लाए कि जो मंदिर सरकार टेक ओवर करती है वहाँ क्या होता है ये लोगों को समझ में आ जाए और दूसरा एक मंदिरों का संगठन खड़ा करना और इस संगठन के द्वारा हम इस बात को डिमांड कर सकते हैं वैसे मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहूं तो सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2016 में ही ये ऑर्डर ऑलरेडी दे चुके हैं। द ऑर्डर इज चिदम्बर दीक्षित टेम्पल वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु इस पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे चुके हैं कि कोई भी सरकार किसी भी मंदिर को टेक ओवर नहीं कर सकती है बिकॉज गवर्नमेंट इज अ सेक्यूलर तो यदि यदि उनको किसी मंदिर में कोई करप्शन दिखाई देता है कोई मिसमैनेजमेंट दिखाई देता है दे शुड टेक ओवर दैट टेम्पल ओनली फॉर वन एटी एंड आफ्टर रेगुलराइजिंग ऑल अदर थिंग्स कि भाई जिसने करप्शन किया आप उसको पनिश कीजिए सरकार के पास कानून है पिनल कोड्स है आप उनको करप्शन आप दूसरा कोई उसके अंदर व्यक्ति वहां पर बिठाइए कि जो आके सिस्टम्स को ठीक करे और ये सब करके 180 डेज के बाद वो मंदिर जो है आपको वापस सौंपना है हिंदू समाज को ये ऑलरेडी 2016 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके बावजूद भी आज कोई स्टेट मंदिर देना नहीं चाहता है क्योंकि करोड़ों रुपया आ रहा है आज हम तिरुपति बात करेंगे तो वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ से ज्यादा है पर वही सरकार सनातन धर्म को करने की बातें करती है है तो ये जो चीजें कि यदि हम इन पैसों से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये मंदिर यदि हमारे पास हिंदू समाज के पास आ जाएंगे तो आज कॉन्वेंट से भी बड़े बड़े हम हमारे विश्वविद्यालय खड़े कर सकते हैं नालंदा तक्षशिला तो हमें बहुत समय नहीं लगेगा उन सब चीजों के लिए आज हमारे गुरुकुल चालू हो सकते हैं संस्कृत विद्यालय चालू हो सकते हैं या हमारे धर्म की रक्षा की बात वहां पर से हो सकती है तो इन बातों को सेक्यूलर स्टेट्स जानते हैं और इसलिए वो जो है आज आप केरल में देखिए केरल में कम्युनिस्ट पार्टी राज कर रही है कम्युनिज्म का बेस क्या है रिलीजन इज ओपियम धर्म या अफीम है और उस बात से वो कह रहे हैं कि हम धर्म की किसी बात को नहीं करेंगे और वही कम्युनिस्ट वहां के मंदिर चला रहे हैं तो इससे बड़ी मतलब हम कहेंगे कि एक आ, आ, मतलब क्या कहेंगे कि आ, unfortunate. Unfortunate या दोगलापन राइट right. वामपंथियों का दोगलापन इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है क्या बाकी पूरे भारत में पूरे विश्व में प्रचार करोगे कि हम मजहब या धर्म के साथ नहीं है और केरल में आप हिंदुओं के मंदिर चलाएंगे तो ये जो चीजें हैं इन बातों को हम देखते हैं तो यही बातें कुछ मात्रा में महाराष्ट्र में हुई कांग्रेस सरकार के दरम्यान और इन बातों को हमने एक्सपोज करने का प्रयास चालू किया हमारी जो अधिवक्ताओं की टीम है साथ में हिंदू विदिज्ञ परिषद है तो उन्हें सबने मिलकर के प्रयास किया मैं कुछ बातें केवल आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा सिद्धि विधायक मंदिर है सिद्धि विधायक मंदिर में वहाँ पर एक आ, मतलब ये आज जितने भी मंदिर है तो जहां पर जिस किसी को मिनिस्ट्री नहीं मिलती है तो उस राजनेता की अपॉइंटमेंट वहां पर करते हैं और इसलिए बी आर अंतुले एक समय पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे भी सिद्धिविनायक मंदिर का ट्रस्टी बनना है उस समय पर बाला साहेब ठाकरे ने कहा था फिर ऐसे करो कि हज यात्रा का जो प्रेसिडेंट है वो मुझे बनाओ तो मैं आपको बनने दूंगा तो ये जो चीजें है कि बी आर अंतिलु को क्या करना है सिद्धिविनायक मंदिर का ट्रस्टी बनकर लेकिन उन मंदिरों को अपना एक वो कॉरपोरेशन के रूप में यूज करते हैं सिद्धिविनायक मंदिर में ऑफिशियली जो जिसको हम कहेंगे कि ऑफिशियली स्टाफ जो वहाँ पर होना चाहिए वो कुछ वन हंड्रेड स्टाफ होना चाहिए लेकिन आज वो उससे तीन गुना से ज्यादा है क्योंकि हर पॉलिटिशियन आता है अपने का, दस कार्यकर्ताओं को वहाँ पर अपॉइंट करता है और धीरे 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 तो मंदिर का पैसा कहा जा रहा है सैलरीज में वेस्ट हो रहा है इसके साथ में हमने अब मैं राजनेताओं के नाम नहीं लूंगा लेकिन कुछ बातों को जो हमने लाया है सामने कि बीच में एक योजना चली थी कि जो किसान आत्महत्या करते हैं उनको सिद्धिविनायक मंदिर से पैसा मिलेगा तो हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है पैसा देने के लिए तो कोई आपत्ति नहीं है जो भारत की सुरक्षा के लिए जो जान दे रहे हैं भारत के जो किसान हैं उनको पैसा देने में तो हमें कोई आपत्ति लेकिन मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं कोल्हापुर के एक किसान को दो लाख रुपया देना था अब उसके लिए सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्टी मुंबई से फ्लाइट पकड़ करके गोवा में गए गोवा के फाइव स्टार होटल में रहे गोवा से इनोवा कार करके वहां से सात घंटे का ट्रैवल करके कोल्हापुर गए कोल्हापुर में चेक हैंड ओवर किया वहां से फिर गोवा आए गोवा से फ्लाइट पकड़ करके मुंबई में आए ये अब आप मुझको बताइए कि मुंबई से सात घंटे में एनोवा से कोल्हापुर जाया जा सकता है तो ये फिर गोवा का टूर क्यों हुआ इस बात को हमने सामने लाया लोगों की ये क्या चल रहा है मनुवान का पैसा है तो आप इस तरीके से यूज कर रहे हो तो गोवा में गए क्यों ये हमारा पहला सवाल था कोल्हापुर महाराष्ट्र में है गोवा अदर स्टेट जाकर के फिर वहां से आप आ रहे फिर वहां से सात घंटा आप कर रहे हैं तो ये जो चीजें हैं ये लोगों के सामने नहीं आती है लोग ये सोचते हैं कि मैंने तो भगवान को दे दिया भगवान तय करेगा अरे भगवान ने आपको अकल तो दी है ना तो आप क्यों नहीं यूज कर रहे हो उसे कि भाई मेरा पैसा जहां जा रहा है वो सही मात्रा में जा रहा है या नहीं जा रहा है इसे भी तो देखना हमारा काम है कांग्रेस ने उस समय पर इंटरनेशनल टेम्पल टूरिज्म डे सिद्धिविनायक के यहां पर किया इसके अंदर एक दिन में उन्होंने अट्ठाईस लाख रुपया खर्च किया एक दिन का खर्चा उनका और ये इंटरनेशनल टेंपल टूरिज्म इसलिए था कि केवल उसके अंदर नेपाल से पशुपतिनाथ का मंदिर आया था बाकी कोई मंदिर उसके अंदर इंटरनेशनल नहीं, नहीं आया था लेकिन उसके बावजूद करोड़ों रुपए खर्च किए गए हर दिन का खर्चा अट्ठाईस लाख रुपया था और इसके अंदर केवल यही बात हुई कि टेम्पल टूरिज्म करेंगे हम तो हमने पूछा कि भाई हमारे मंदिर कोई टूरिस्ट प्लेसेस है क्या कल कोई विदेशी वहां पर सिगरेट पीते हुए आएगा और कहेगा आई एम अ टूरिस्ट तो क्या हम मना करेंगे उससे तो ये मंदिर है ये हमारे रिलीजियस प्लेसेस है आप वैटिकन सिटी को तो टूरिस्ट प्लेस करके नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं तो इन बातों को जब हम देखेंगे तो ये गलत तरीके से इस प्रकार से प्रचार किया गया सिद्धिविनायक मंदिर से राजनेताओं ने करोड़ों में पैसे उठाए उसके बारे में केवल शिमला ने जिन्हें मुंबई हाईकोर्ट में पिटीशन किया मुंबई हाईकोर्ट के जज जय टिपनिस कमेटी का आज भी रिपोर्ट है आज भी पैसे इनसे नहीं लिए है उन्होंने वापस जैन प्लेस मुंबई हाईकोर्ट के जज ये कहते हैं कि इन राजनेताओं की पर्सनल प्रॉपर्टीज बेच करके मंदिर का पैसा वापस ले लो तो कितनी बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपए वहां से उठाए गए सिद्धिविनायक मंदिर से हर मंगलवार को हजारों मुसलमान हजारों ईसाई आकर के पैसा लेते हैं आज भी वहां से मेडिकल एड मिलती है हिंदू समाज को पता ही नहीं है कि आपको मेडिकली जब आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो सिद्धि विनायक मंदिर से पैसा मिलता है तो फिर ये मुस्लिम मदरसा में कैसे जानकारी पहुंचती है ये ईसाइयों के बीच जानकारी कैसे पहुंचती है मेरे पास आर में सारे नाम हैं सभी के कि जिन जिन को पैसा दिया जाता है तो हमारा प्रश्न यही है हम आपके मस्जिद में अभी पैसा मांगने के लिए नहीं आते हैं आप हमारे गणेश जी को नहीं मानते हैं गणेश जी की यात्रा निकलती है तो पथराव आप करते हैं तो आपको सिद्धिविनायक का पैसा क्यों चाहिए पैसा लेने में तो आप आगे है और जब यात्रा निकलेगी तो पथराव करेंगे आप तो ऐसी बातें क्यों ये एक बात है दूसरा इसी प्रकार से पंडरपुर का विट्ठल मंदिर जो है तो पंडरपुर का जो विट्ठल मंदिर है वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1365 एकड़ लैंड डोनेट की थी जब हमने पूछा कि भाई ये लैंड कहा है तो सरकार ने कहा मैंने नहीं पता इतने बड़े लैंड डोनेट की है तो हमने मुंबई हाईकोर्ट में पिटिशन की हमने कहा कि एक डेप्यूटी कलेक्टर लेवल का ऑफिसर लैंड रिकवरिंग ऑफिसर करके चाहिए और अभी तक 1185 एकर्स लैंड रिकवर की है हमने उसके बावजूद यानी यदि हम देखते हैं कि सरकार को पड़ी ही नहीं है कुछ फिर हमने देखा कि 32 टू ईयर्स से उसको ऑडिट ही नहीं हुआ है तो हमने पूछा कि ऑडिट क्यों नहीं हुआ तो उन्होंने कहा नहीं हमने कहा था कि हमें कैशियर दे दीजिए तो गवर्नमेंट ने अभी तक तो कैशियर ही अपॉइंट नहीं किया तो हमने पूछा फिर इतने सालों से जो पैसा आ रहा है वो कहाँ है तो उन्होंने कहा बोरियों में बांध करके रखा हुआ है तो कैन यू बिलीव हमारे पास कोई पैसा आता है तो हम ये सोचते उसे बैंक में रखेंगे उसे इंटरेस्ट हमें मिलेगा यहां पर पंडरपुर देवस्थान के ट्रस्टी कह रहे हैं कि उसे हमें बोरियों वह गोशाला है तो गौशाला में जो माता है उनकी काफी बड़ी मात्रा में डेथ होती थी उसके ऑटोपसी की रिपोर्ट है हमारे पास तो ये मंदिर के ट्रस्टीज दुर्भाग्य से हमारे हिंदू है जो भगवान विठल और रुक्मिनी माता जो आ, मतलब लक्ष्मी माता है तो रुक्मिनी माता को जो ब्लाउज के पीस जो आते हैं वहाँ पर तो उसे वहाँ पर मराठी भाषा में चोड़ी बोलते हैं उसे तो एक तरीके का रेशम का कपड़ा होता है वो तो ये जो है ये वहाँ पर अर्पण किए जाते थे तो अब उसे क्या करेंगे तो उसे वो वो माता को खाना खाने के लिए देते थे खिलाते थे और उस कारण से वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में गोमाता की डेथ हो गई तो इनकी ऑटोपसी की रिपोर्ट है सब चैनल्स वालों को हमने जाकर के दिखाया कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर पर क्यों ऐसा कर रहे थे क्योंकि वे ट्रीटमेंट नहीं करना है और जो वहां पर फूल आ रहे हैं या जो भी आ रहा है कोई क्योंकि सरकार के ये है ना सेक्यूलर मानसिकता के लोग हैं तो हमें कुछ लेन नहीं है सरकार के अधिकारी है तो जो आ रहा है उसे वेस्ट में ये पर से निकाल दो उसे तो ये जो चीजें हैं इन सारे बातों चार वो माता को कसाईयों को बेचा उन्होंने जिसके अगेंस्ट हमने एफ की तो ये जो चीजें हैं इन बातों को यदि हम देखेंगे तो हमारे मंदिरों से क्या चल रहा है तुलजा भवानी मंदिर में यही चल रहा है वहां पर तो हुंडी का ऑप्शन किया गया और हुंडी का ऑप्शन करके सिंडिकेट ऑप्शनिंग अब ऐसे कभी हो सकता है कि, कि भगवान के मंदिर के हुंडी का ऑप्शन हो रहा है ये पहला मंदिर था इसके अगेंस्ट हमने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका की सोलह अधिकारियों के नाम है उसमें जो आज बड़े अधिकारी है बन चुके हैं इन अधिकारियों के नाम है लेकिन आज दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि हाईकोर्ट ने आईजीपी लेवल के ऑफिसर को कहा कि जांच करो और रिपोर्ट दे दो हमें आज उसमें से सिर्फ दो क्लार्क है जिनके पास चाबी होती थी उनको अरेस्ट किया गया है जो बड़े अधिकारी है वो अभी खुलेआम घूम रहे हैं जिन्होंने यह करोड़ों रुपए का करप्शन किया तो ये जो चीजें है आ, महालक्ष्मी कोल्हापुर की जो है वहां पर भी इसी प्रकार से उन वहां पर उनकी जमीन में माइनिंग तो दे दे पैसा आता है नहीं आता है वहां पर हमारा मनी करणी का कुंड था कि जैसे हमारे किसी भी देवता के यहाँ पर जल का कुंड होता था तो जमीन से पानी आता था लोग उसे तीर्थ के रूप में लेते थे सेक्युलर सरकार ने वहां पर उस कुंड को तोड़ करके वहां पर सुलभ शौचालय बनाया तो इसके विरोध में हमने कैंपेन किया उस सुलभ शौचालय को तोड़ करके अब मनी करने का कुंड जो है उसको क्लीनिंग करने का भी काम चल रहा है तो ऐसा तो, वो जो असुरों की कहानियां सुनते थे वो असुर वो सब कुछ तहस नहस कर देते थे एकदम वैसा एक हो रहा है यही यही सेक्युलर मानसिकता से यह सब चल रहा है तो इन बातों को लेकर के हमने अलग अलग कोर्ट्स में गए याचिकाएं की जहाँ पर संभव हुआ वहां पर आंदोलन किया अब शनि भगवान का उदाहरण लेते हैं शनि भगवान का जो शनि देवता का मंदिर है उस मंदिर का घंटा जो है वो उन्होंने कपड़े से बांध करके रखा था तो हमने पूछा ऐसा क्यों है तो उन्होंने कहा नहीं सरकार का जो अधिकारी है लोग आते बार बार घंटी बजाते उसस, उसके सर दर्द होता है तो उसलिए उसने कहा कि घंटी नहीं बजानी अभी यहाँ पर तो हमने कहा भाई तू पोस्टिंग अलग लेकर के चला जाना यहाँ से पैसा तो कमाई हो रही है जो तो ये जो चीजें हैं इन बातों को हर बात के लिए लड़ना पड़ रहा है प्रयास करना पड़ रहा है लेकिन इसके माध्यम से हमने एक अच्छा संगठन किया है और आज एक महाराष्ट्र मंदिर महासंघ के नाम पर कर्नाटक मंदिर महासंघ गोवा में गोमंतक मंदिर महासंघ इस रूप से अभी हमने अलग अलग स्टेट्स में ये काम करना चालू किया है लगभग इसके अंदर सारे ज्योतिर्लिंग अष्ट विनायक या हमारे साढ़े तीन शक्तिपीठ जो है महाराष्ट्र के तो सभी मंदिर इसके सदस्य बन चुके हैं और अभी करीब करीब मैं आपको कह सकता हूँ कि आ, दो हजार से ज्यादा टेम्पल ट्रस्टीज हमारे साथ है अभी तो वहां पर हम एक प्रयास कर रहे हैं साथ में हम उन्हें एक बात कह रहे हैं कि आप जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उसे आप ट्रांसपरेंट रखिए जो वहां पर डोनेशन करने वाला है उसे पता होना चाहिए मेरा पैसा कहाँ जा रहा है मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा कि जलगांव के यहाँ पर एक मंगल ग्रह देवस्थान है या पुणे में ओजर का जो अष्टविनायक का जो स्थान है वहां पर सुबह से लेकर के रात तक जितना डोनेशन आता है जितना एक्सपेंस होता है रात को डिजिटल बोर्ड पे वो डिस्प्ले करते हैं पूरा कि आने वाले हर वक्त को पता होना चाहिए किसने कितना पैसा दिया और वो पैसा कहाँ गया तो ये जो चीज़ें हैं कि इन बातों को यदि हम देखेंगे तो हम एक अच्छी सिस्टम बना सकते हैं हम हमारे मंदिरों की अच्छी व्यवस्था बना सकते हैं तो आज जो ये आक्षेप उठा रहे या जो भी आ, कह रहे हैं कि राम मंदिर क्यों चाहिए था अस्पताल क्यों नहीं बनना चाहिए था या ये बातें जो है तो मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि केवल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वहाँ पर अब तक करीब करीब सात करोड़ लोगों ने भेंट दी है उसके कारण उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो इनकम है वो बीस हजार करोड़ से ज़्यादा हो चुका है अब तक गोवा स्टेट टूरिज्म में भारत में एक नंबर पे था आज उत्तर प्रदेश है केवल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कारण कि बीस हजार करोड़ का इनकम केवल वहाँ के टूरिज्म मिनिस्ट्री को हुआ है तो इन बातों को यदि हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे मंदिर जो है वो पहले से ही वो मतलब सुवर्ण भूमि है और वो भारत को सुवर्ण भूमि बनाने का ही काम कर सकते हैं आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, कली का रिपोर्ट है कि एक सप्ताह हमें करीब करीब तेरह करोड़ रुपया श्री राम मंदिर में आया है तो हिंदू समाज जो है वो अपने भगवान या अपने इष्ट के लिए जो है मन से देता है और उसका सही उपयोग होना चाहिए तो ये सेक्युलर सरकार नहीं कर सकती है और जगन्नाथ पुरी टेम्पल वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में भी तीन बार सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब इन सब राजनेताओं ने सेक्युलरिज्म की शपथ ली है तो इन्हें हिंदू मंदिर चलाने का अधिकार किसने दिया यही सवाल हमारा है इसलिए यह मंदिर हमारे है हम चला सकते हैं हमें चलाने का पूरा अधिकार है हमारे पास पूरे शास्त्र है इसलिए सरकार को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि मंदिर इन्हें देंगे तो क्या होगा हम आपसे ज़्यादा बेहतर चलाएंगे चिंता सरकार को ये है ना कि इतना पैसा जो आ रहा है वो फिर कहाँ से आएगा तो चिंता तो वो है बेसिकली ये तो एक इल्जाम आएंगी यार तुम चला नहीं सकते भाई सब चला सकते हैं तो हम भी चला सकते हैं सब अपने अपने चला ही रहे हैं जिनका जो है रिलीजियस uh, प्लेसेस तो ऑडियंस को जस्ट एक बार कहना चाहूंगी बहुत अमेजिंग काम हो रहा है इसके बारे में हमें नहीं पता था तो प्लीज आगे आए और हिंदू जन जागृति समिति से जुड़े देर डूइंग वर्क एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड पार्टिसिपेट इन इट एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस Phenomenal thing थिंग हिंदू मंदिरों को हमें सरकार से छुड़वाना ही है वी हैव टू डू इट टूगेदर एक लास्ट मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया आपका पर लास्ट क्योंकि मुझे पता है कि सबसे पहली जो बुक थी लफ जिहाद की वो आपने लिखी थी एंड uh, इस चीज तक अब पहुंच गया है कि अब कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने लव जिहाद के अगेंस्ट कानून बना दिया है सो so, जो इनिशियटिव था वो आपने लिया था तो थोड़ा सा अगर लव जिहाद के बारे में भी हमें बताएंगे बिफोर वी लेट यू गो देखिए लव जगह ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को आ, मेरे सामने ये कॉन्सेप्ट कैसे आई तो मैं आ, एक पूर्णकालीन प्रचारक के रूप में भाग्यनगर अर्थात हैदराबाद में था तो उस समय पर आंध्र प्रदेश था तो वहाँ पर जब था तो मेरे पास कई सारे माता पिता अपनी बेटियों को लेकर के काउंसलिंग के लिए आते थे क्योंकि सबको पता था कि मेरा धर्म के बारे में हिंदुत्व के प्रति जो अध्ययन है वो अच्छा है तो मैंने एक दो एक दो करते हुए ऐसे हुआ कि मैंने करीब चौबीस लड़कियों का काउंसिलिंग किया हर बार मैं यही देखता था कि एक बड़े व्यापारी की लड़की है वो उसे कोई ऑटो से स्कूल में छोड़ने वाले जो मुस्लिम ड्राइवर है उसके प्रेम में है कोई गैरेज मैकेनिक के प्रेम में है कोई घर का जो मेड़ है उसके प्रेम में है कोई घर में पेंटर आ गया उसके प्रेम में है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि इतने बड़े व्यापारी के लड़के और हर बार ऐसे क्यों हो रहा है तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ऐसे ही नहीं हो सकता है क्योंकि एक दो लड़की के बारे में तो हम सोच सकते हैं कि एक्सेप्शन है लेकिन इतने सारी लड़कियों के साथ हो रहा है तो डेफिनेटली इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए तो मैंने उन्हीं बहनों से पूछना चालू किया एक केस में तो ऐसे था कि केवल आ, माता पिता ने मोबाइल नहीं दिया था उसने ट्वेल्थ का एग्जाम पास किया था तो माता पिता ने कहा था कि ट्वेल्थ का एग्ज़ाम पास करने से हम तुम्हें तो मोबाइल दे देंगे और ये उस लड़की के मुस्लिम लड़की जो फ्रेंड थी उसे पता था तो उस मुस्लिम लड़की के घर पर कोई ईद के लिए कोई कलकत्ता से उसका रिलेटिव आया था तो उसने उसे बताया और उसने उसे गिफ्ट करके वो मोबाइल दे दिया तो केवल उस मोबाइल के नाम पर ही वो लड़की चली गई अब जब उस लड़की को हमने कोर्ट ऑर्डर से वापस लाया तो उस लड़की ने लोकल पुलिस स्टेशन में जा के कहा कि मेरी माँ बीमार है उसके लिए मैं देखने के लिए जा रही हूँ और आठ दिन में मैंने वापस आकर के यहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया तो मेरे माँ पिताजी को अरेस्ट कर लीजिए क्या एक लड़की अपने माँ पिता के विरुद्ध ये कंप्लेंट करके आ सकती है तो मुझे लगा कि दिस इज ऑल अननेचुरल कोई लड़के अपने माँ पिता के विरुद्ध किसकी इच्छा होगी मेरे माँ पिता जेल में जाए तो हमें लगा कि ये गलत है इसके अंदर कुछ तो जाँच होनी चाहिए तो मैंने इसके बारे में स्टडी करना चालू किया मेरे कई सारे इंजीनियरिंग के दोस्त थे जो यूके में थे यूएस में थे तो उन्होंने मुझे वहाँ पर भी ये चल रहा है तो मुझे वहाँ से उन्होंने लड़कियों के तब हमारे यहाँ पर यूट्यूब या इतने सारे वीडियोस फेमस नहीं थे तो उन्होंने मुझे कई सारे वीडियो क्लिप्स भेजने चालू किए कि यहाँ पर इस प्रकार से चल रहा है तो यूके में ये ग्रूमिंग गैंग्स के नाम पर रोमियो जिहाद के नाम पर इस प्रकार से ये सारे कॉन्सेप्ट थे तो जब मैंने देखा कि अरे ये सब तो मैचिंग ही है तो इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी लेनी होगी उसी समय पे केरला में एक केस आई सामने वो केस बहुत फेमस है शहन आलम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला उसके अंदर जस्टिस टी के शंकरन जो है उनका जजमेंट है इस बारे में जिसके अंदर उन्होंने पहली बार इस शब्दों को लिखा लव जिहाद उसके लिए वो मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट में चला गया कहा कि यह हमारे मजहब को बदनाम करने का षड्यंत्र है तो उन्होंने कहा जब आप ये षड्यंत्र लव जिहाद नाम से कर रहे हो तो यही नाम से मैं कहूँगा उसे तो लव जिहाद ये पहला जो शब्द है ये केरल की हाईकोर्ट के जजमेंट में है जब मैंने ये बुक लिखा तो मेरे ऊपर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने चार जगह पर केसेस डाले और कहा कि ये इस्लाम की बदनामी कर रहा है लेकिन एक भी केस में वो सिद्ध नहीं कर पाए क्योंकि मैंने सारा बुक रिसर्च पर लिखा है कि जिसके अंदर मैंने कोई मजहब की कोई बात ही नहीं की है भाई मेरे धर्म के ऊपर कोई आक्रमण हो रहा है तो उसे लिखना तो मेरा काम है तो इन बातों को लेकर के मैंने लिखा और आज कई सारे आ, माता पिता या ये जो है वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि आपके किताब के कारण से हमारी बेटियाँ बची है उसमें तो इसमें मैंने जो चीज़ें उस समय पर साइंटिफिक लेवल पर चल रही थी कैसे ये मोडस ऑपरेंडी है क्या हो रहा है कैसे एक षड्यंत्र के रूप में ये सारी चीज़ें चल रही है तो इन बातों को बहुत विस्तार से लिखा और उसके अंदर उनको जानकारियाँ देना चालू की साथ में मैंने बताया कि देखिए ये जो हिंदू धर्म जो है ना जिसको आप वामपंथी प्रचार के कारण से कोस रहे हो इससे ज्यादा फ्रीडम आपको कोई धर्म नहीं दे सकता है कोई धर्म नहीं आप कृष्ण के मंदिर में जा सकती है प्रभु श्रीराम के जा सकती है हनुमान जी के जा सकती है जिस दिन आपने इस्लाम स्वीकार किया किसी मस्जिद में आपको अलाव नहीं होगा भक्ति तो छोड़ ही दीजिए आप आज आप जींस पैंट पहन रही है घाघरा चोली पहन रही है चुनरी पहन रही है जो आपके मन में आता है हिंदू धर्म तो आपका एक्सेप्ट कर रहा है जिस दिन आप इस्लाम स्वीकार करेंगे उस दिन आपको केवल काला बुरका का होगा तो ये जो है या अब तो ट्रिपल तलाक का सरकार ने कानून बना दिया उस समय पे तो नहीं था तो ये जो चीज है उस समय पे तो कई बार ऐसे हुआ था कि उस समय पे मोबाइल से तीन बार तलाक 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 आने के बाद वो तलाक हो जाता था तो हमने कहा कि ये जो इनस्टेबिलिटी है उसके बारे में सोचिए तो इसके माध्यम से हमने कई सारे स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर के लेक्चर लिए मैंने कई सारे जैन धर्मशालाओं में लेक्चर लिए हैं अलग अलग समाज के यहाँ पर जाकर के लेक्चर्स लिए तो हमारा प्रयास ये था कि हमारा धर्म ज्यादा अच्छा है हमारे धर्म के अंदर जितनी बातें हैं, हम किसी की अन्य लोगों की कोई बात करने से कोई मतलब नहीं है उनके अंदर जो बुराई है वो उनकी है ही लेकिन उनको आप क्यों स्वीकार कर रहे हो जितनी सारी अच्छी बातें वो अपने धर्म में है तो हमें दूसरे के धर्म का स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपका प्रेम किसी अन्य मजहबी व्यक्ति से है तो एक बार उसे भी तो पूछ करके देखिए ना तो हिंदू बन जा। हर बार आप ही क्यों कन्वर्ट होती हैं? एज पर इस्लामिक लॉ किसी हिंदू किसी अन्य मजहब की लड़की से कोई मुस्लिम शादी नहीं कर सकता है कुरान में लिखा हुआ है कि आप किसी मुस्लिम दासी से भी निकाह करोगे तो भी उसको मान्यता है लेकिन किसी काफिर लड़के से निकाह करोगे तो उसकी मान्यता नहीं है इसलिए पहले कन्वर्जन करते हैं तो इसलिए हमने इन बातों को रखा सरकार के सामने भी रखा और आज अच्छी बात है कि इसके बारे में आठ राज्यों में कानून बन गया और कल ही गुजरात सरकार ने इसके अंदर एक नया अमेंडमेंट किया जिसकी हमें सब जगह पर आवश्यकता है कि उसके अंदर उन्होंने ये लाया कि यदि 18 साल की 18 साल से नीचे की कोई लड़की है तो उसके माता पिता को प्रायर 90 डेज पहले आपको जानकारी देनी होगी आज के स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है कि जहाँ पर 18 साल की लड़की है तो कानून ये मानता है कि 17 साल तीन दिन की है तो वो माइनर है और उसे कानून का और समाज का कोई भार नहीं है उसे पता नहीं है और एक ही दिन में उसको पूरा समाज का बहाना जाता है उसको सारे सोशल सिस्टम समाज में आती है कानून समाज में आता है ऐसे कैसे हो सकता है तो इस बात को लेकर के हम बहुत समय से इस पर काम कर रहे थे कि इस माध्यम से क्योंकि लड़की निकाह करके आ रही है और उसके माता पिता को पता ही नहीं है तो ये जो चीज़ें हो रही थी इस पर कुछ तो काम हो इस दृष्टिकोण से प्रयास हमारा चल रहा था और गुजरात सरकार ने इसे लेकर के इस कानून में जो अमेंडमेंट किया है तो हमारी एक इच्छा ये है कि पूरे भारत में जितने लव जिहाद के विरुद्ध कानून है उसके अंदर ये अमेंडमेंट हो और इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने अब ये कहा है कि वो इस सेशन से पहले मतलब इस बाद में जो असेंबली सेशन होगा उससे पहले लव जिहाद के विरुद्ध कानून लाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र सरकार भी इसमें इस प्रावधान को लाए तो यदि ये होगा तो उससे एक बात हो जाएगी कि कम से कम माता पिता को पता तो चलेगा कि मतलब हमारी बेटी किससे शादी कर रही है किससे निकाह कर रही है तो थोड़ा सा बचाने का चांस जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगा मेरे लव ज्यादात के बुक में मैंने एक लास्ट में चार्ट दिया है वो एन का डाटा है इस साल पार्लियामेंट में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो अधिकृत रूप से केंद्र सरकार की के संस्था है जिसके अंदर पूरे भारत में विभिन्न तरीके के जो क्राइम्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन करके उसके सारे आंकड़े दिए जाते हैं मैं आपको बहुत गंभीरता से इस बात को बताना चाहता हूँ हमारे देश के अंदर इस आंकड़ों को पार्लियामेंट के अंदर इस बार सरकार ने प्रेजेंट किया है जिसके अंदर मिसिंग गर्ल्स एंड मिसिंग वुमेन्स इसका ये है जिसके अंदर महाराष्ट्र एक नंबर पे है महाराष्ट्र में 2021 में गायब होने वाली महिला और लड़कियों की संख्या 64,000 है पूरे भारत में ये संख्या चार लाख हजार है हर दिन हमारे भारत से 1274 लड़कियां गायब होती है हर दिन तो इतना बड़ा प्रमाण जो है इसके बारे में हमें गंभीरता से लेना चाहिए लव जिहाद केवल छोटी बात नहीं है तो इन बातों के ऊपर कड़े कानून होने चाहिए इस दृष्टिकोण से विचार होना चाहिए समाज में जागृति होनी चाहिए और केवल प्रेम हो तो बात अलग है लेकिन यहाँ पर प्रेम नहीं एक षड्यंत्र है कोई तो पैसा दे रहा है कोई तो गाड़ी दे रहा है कोई तो सब ये सारी चीज़ें कर रहा है तो यदि ये विदेश के नीति के अंदर, अंदर हम देखेंगे तो वॉर के अलग अलग रूप रहे हैं मतलब फर्स्ट जनरेशन वॉर जो था तो उसके अंदर हम पत्थर लाठिया लेकर के लड़ते थे सेकंड जनरेशन वॉर आ गया तो तलवारें आ गई और आधुनिक चीजें थर्ड जनरेशन वॉर आ गया तो न्यूक्लियर सिस्टम्स आ गए सबमरीनस आ गई तो मिसाइल्स आ गए तो ये सब दिस इज फोर्थ जनरेशन वॉर एंड फोर्थ जनरेशन वॉर इज अस तो इन्फॉर्मेशन तो गलत जानकारी देकर के कि आप किसी को भी बहला सकते हैं फुसला सकते हैं आपके पास मोबाइल है आपके देश में आने की किस किसी को कोई आवश्यकता नहीं है पाकिस्तान से ही मैसेज बना करके भेजा जा सकता है इसलिए इन चीज़ों से बहुत गंभीरता से हमें सोचना चाहिए लंदन के पुलिस कमिश्नर है सेक्युलर होना क्या होता है इसका मैं कहना चाहता हूँ लंदन के पुलिस कमिश्नर है सर यान ब्लेयर इन्होंने इसके बारे में कहा है ये लंदन में लव जिहाद रोमियो जिहाद चल रहा है जिन परिवारों की बेटियां इसमें फंसी है वो पुलिस की मदद ले सकते हैं हम आपकी सहायता के लिए तैयार है मेरा सवाल है भारत की सेक्युलर सिस्टम में बनी हुई सारी पुलिस यंत्रणा से क्या भारत के किसी एक सिंगल पुलिस अधिकारी में यह कहने की हिम्मत है कि हमारे देश में लव जिहाद चल रहा है यदि लंदन का पुलिस कमिश्नर ये खुल करके कहता है खुल करके वो कहता है कि हम समाज की इन बेटियों को मदद करने के लिए तैयार है क्या भारत का एक पुलिस अधिकारी कह सकता है तो कौन सा सेक्युलरिज्म की बात कर इसलिए ये जो चीज़ है ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसलिए इन आ, बातों पर अवेयरनेस भी होना चाहिए और साथ में हमें ऐसी बहनें जो बहलाई जाती है बहला फुसला करके मज़हब चेंज किया जाता है ट्रैप होती है तो उन्हें फिर अपने धर्म में ला करके उन्हें सुरक्षित करने का हमारे समाज ने भी स्वीकार करना चाहिए तो इन दोनों मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं तो ऐसी हमारे बहनों को बचाना भी है उनको फिर से हिंदू बना करके उनको सुरक्षित करना है तो ऐसे दो बातों पर हम साथ में काम कर रहे हैं तो लव जिहाद पर ही नहीं उन बेटियों को सुरक्षित करने का भी काम हमारा ही है तो इस दोनों दृष्टिकोण से काम चल रहा है अमेजिंग आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन चल सकता है पूरा दिन आपको जाना है ज्यादा इम्पोर्टेंट विषयों पर इतनी डिटेल्ड नॉलेज देना सो आई थिंक जो हमारी ऑडियंस है आज का पॉडकास्ट बहुत हैवी है इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत कुछ है जो हमें जानना है एंड जो सर डे आज हमें बताया इट्स लाइक यू नो आंखें खुल जाना एकदम से ऐसा फील हो रहा है सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एक्सेप्टिंग द इन्वाइट एंड कमिंग ईयर एंड बहुत जल्दी मुझे लगता है बहुत सारे विषय हैं आपके पास उसमें मुझे आपसे बात करनी है सो फॉर टुडे थैंक यू नमस्ते जी धन्यवाद सो दैट वॉज श्री रमेश शिंदे जी फॉर आस अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट रिलीज हो आपको पता चल जाए थैंक यू फॉर वॉचिंग मुजफ भारत नमस्ते